कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना। आप और रिस्क नहीं ले सकते। मैं कमिश्नर सर से बात करके उसे आज के आज ही अरेस्ट कराता हूँ। चलो तेज, आशा जी को सबसे पहले घर लेके चलते हैं। चल आशा, आ जाओ। चल आ जा। क्या हुआ? तो मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ से जाना ठीक है। क्या तो क्या बात कर रही है? तू मेरी बात समझ, हम यहाँ से जाके क्या कर लेंगे? आशा, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, आपको हमारे साथ सेफ प्लेस पे चलना होगा। हम वहाँ जाकर कर भी क्या लेंगे? उसके बाद समीर को पुलिस अरेस्ट कर लेगी, समीर को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। फिर कुछ नहीं होगा। आशा, मुझे अभी समझ आ रहा है तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। अगर हमने समीर को अरेस्ट करवा भी दिया तो कादंबरी कुछ भी करके उसे छुड़वा लेगी और फिर से वो लोग कुछ नया प्लान करेंगे, शायद कुछ और खतरनाक। हमारी मुसीबतें डबल हो जाएगी, हमारी और जून की जान फिर से खतरे में आ जाएगी। क्या मतलब प्रीतेश? मतलब ये कि जब तक आशा यहाँ है तब तक समीर और कादंबरी को लगेगा कि वो लोग कंट्रोल में है और वो लोग कुछ नया प्लान नहीं करेंगे। वो लोग थोड़ा शांत रहेंगे और हमें टाइम मिल जाएगा। एग्जैक्टली, और टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन टाइम क्यों चाहिए? अभी टाइम चाहिए इंदु, टाइम चाहिए। समीर कोर्ट में ये प्रूफ करना चाहता है कि आशा और कादंबरी का कोई रिश्ता नहीं है और हमें ये प्रूफ करना है कि आशा और कादंबरी का फादर एक है, मिस्टर विनोद पटेल। आशा और कादंबरी सौतेली बहने हैं और उसके लिए आप में से किसी एक को बैंगलोर जाना होगा। बैंगलोर? बैंगलोर किस लिए? बैंगलोर में मेरा जन्म हुआ था, मेरा बचपन वहीं बीता है। और बहुत सालों बाद जब मेरी माँ को एहसास हुआ कि मेरे पिता वापस कभी नहीं आएंगे तो वो मुझे लेकर मुंबई आ गई। तब से मेरा वो घर बंद ही पड़ा है। तुम में से अगर कोई भी बैंगलोर उस घर पर जाएगा तो तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि विनोद पटेल मेरे पिता है और कादंबरी मेरी सौतेली बहन। बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और उस घर का एड्रेस मेरी डायरी में है और मेरी डायरी लॉकर में है। आशा, बैंगलोर तो चले जाएंगे लेकिन तू यहाँ नहीं रुक सकती। तूने अभी बताया ना समीर कैसा जानवर आदमी है, वो एक बार साइन लेने के बाद तुझे जान से मार देगा। आशा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। तू अभी यहाँ से चल, बाद में देख लेंगे सब कुछ। चल। मेरी बात समझ, मैं जानती हूँ तू मुझसे बहुत प्यार करती है पर इंदु, वो हमसे हमारी जून को दूर ले जाएंगे। देख, मैं रिस्क नहीं ले सकती, तुम दोनों समझाओ इसे। आशा चल ना। इंदु प्लीज समझ, हमारे पास में वक्त बहुत कम है। इंदु, हमें रिस्क लेना होगा। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आशा को एक आंच तक नहीं आने दूंगा। मैं खुद बैंगलोर जाऊंगा लेकिन ये करना जरूरी है, तभी हम जून को अपने पास वापस ला सकेंगे। नहीं रितेश, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। इंदु, मैं तुझे नहीं। इंदु मेरी बात सुन, जब तू अपना आंचल फैलाकर मुझसे जून मांगी थी तो मैंने तेरी बात मान ली थी। अब मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरी भांजी लौटा दे प्लीज, नहीं तो समीर और कादंबरी जून को हमसे बहुत दूर ले जाएंगे। प्लीज इंदु, प्लीज, हम उसे नहीं खो सकते। अच्छा, तू जो मांग रही है ना उसके लिए मैं कभी हार नहीं कर सकती। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आशा, मैं कभी माफ नहीं कर। प्लीज हिम्मत रखो, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुद बैंगलोर जाऊंगा। मैं अभी राहुल को कॉल करूंगा, अगली फ्लाइट पकड़ूंगा और बैंगलोर चला जाऊंगा और वो सारे पेपर्स ले आऊंगा जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि आशा और कादंबरी सौतेली बहने हैं। उन दोनों का फादर एक है, मिस्टर विनोद पटेल। फिर कादंबरी और समीर कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई चाल नहीं चल पाएंगे। जून हमारे पास वापस आ जाएगी। जून के बारे में एक बार सोचो इंदु। हितेश, बैंगलोर का काम तो संभाल लेगा लेकिन यहाँ का क्या? हम लॉक तोड़कर अंदर आए हैं, समीर को पता चल जाएगा कि हम यहाँ तक पहुंच गए थे। देख विवेक, ये ऐसा दूसरा लॉक तो मार्केट में मिल जाएगा, तो सबसे पहले लॉक बदलो और एक ऐसा ताला लेके आओ जिसकी दो चाबियां हो। एक चाबी हम अपने पास रखेंगे और दूसरी चाबी इंदु तुम्हें समीर की चाबी के साथ रिप्लेस करनी होगी। ये काम तुम्हें करना होगा इंदु, केयरफुली। तो तय है, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती मैं आशा जी के आसपास रहूंगा। आशा जी,
तुमको कुछ नहीं होगा। और रितेश, हमें रूम वैसा ही करना होगा जैसे पहले था। आशा, तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है। जून के लिए तुम जो कुछ भी कर रही हो उसके लिए थैंक यू, थैंक यू। जून के लिए कुछ भी? हिंदू, विवेक तू कब आया? बस अभी अभी। हाँ, मैंने वो सेम लॉक अरेंज कर लिया है। चाबी कहाँ है? हाँ, ये सेम चाबी है। मुझे बस एक बात का डर है विवेक, उस लॉक को देखकर समीर को शक ना हो जाए। मुझे नहीं लगता होगा, सेम कॉपी मिला है। बस हाँ, तुझे इस चाबी से उस चाबी को रिप्लेस करना है। प्लीज बी केयरफुल। आशा की लाइफ का सवाल है, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगी। बिल्कुल विवेक, हम ये सब तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन मुझे बस आशा की टेंशन हो रही है। तो आशा की टेंशन मत ले, हर वक्त उसके पास रहूंगा और मैं उसको एक फोन भी दूंगा, कोई एमरजेंसी पड़े तो मुझे कॉल कर सके। रितेश बैंगलोर भी निकल गया? हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले ही राहुल के साथ निकल गए। बस रितेश सारे सबूत जल्दी लेकर आ जाए और उसके बाद हम जल्दी से आशा को भी बाहर निकालेंगे। प्लीज तू आशा का ध्यान रखना। ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। और हाँ, ये चाबी जरूर बदल देना। भाभी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे विवेक क्यों आया था, सब कुछ ठीक है ना? एक्चुअली विवेक मुझे एक ताले की चाबी देने आया था। कैसी चाबी, क्या हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले रितेश राहुल के साथ बैंगलोर चला गया है। गॉड, इतना कुछ हो गया? बस अब मुझे ये ताले की चाबी समीर के ओरिजिनल ताले की चाबी के साथ बदलनी है। भाभी, चाबी कहाँ है? ये रही। आप रिलैक्स करो, मैं चाबी बदल दूंगा। पक्का? ऑफ कोर्स भाभी। थैंक यू विवान। भाभी, थैंक यू एंगू से कुछ नहीं होगा। ये सब काम होने के बाद आपको मेरे पब पे एक पार्टी थ्रो करनी पड़ेगी। विवान, प्लीज बी केयरफुल। डोंट वरी भाभी, मैं हूं ना। किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। कहाँ रखी होगी इसने चाबी? हो ना हो इसी के पास होगी चाबी। इसका वॉलेट ढूंढता हूं। तुमसे ज्यादा तुम्हारे 5,000 करोड़ से प्यार करता हूँ। मुझे मेरे 5,000 करोड़ देगा। अब किसी की भी जान ले सकता हूँ, 5,000 करोड़ गिरेगा तुम। सबको मार लूंगा, किसी को भी छोड़ो, सबको मार लूंगा। मिल गई। गॉड, तुम हो, मुझे लगा समीर है।
बाबूजी मौज कैसे हैं? वो ठीक है। अब अंकल ने आपके लिए परांठा भेजा है, इसमें अचार भी है। अंकल कह रहे थे कि आप अचार के बिना परांठा नहीं खाती। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस बाबूजी और मौज की याद आ गई थी। वो भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं।